Hi, my name is Nivedita, and today we are going to learn the difference between former and latter. So, former का मतलब होता है पहला वाला और latter का मतलब होता है बाद वाला. अब अगर आपको पता हो तो पहला हम एक और शब्द से भी कहते हैं, that is first. First का मतलब भी पहला ही होता है. और जब बात निकली है first की, तो एक और शब्द हम लेके चलते हैं, that is last, जिसका मतलब होता है अंतिम. अब बाद और अंतिम में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम थोड़ी देर से देखते हैं. बट अगर पहले की बात करें तो फिर फॉर्मर और फर्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो जो फॉर्मर होता है, ये जब हम दो की बात कर रहे होते हैं और दो में से पहले वाले की बात करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं फॉर्मर का. और जब दो से ज़्यादा की बात चल रही हो और उसमें से हमें पहला कहना हो, तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट का. वहीं अगर बात करें लैटर की, तो जब दो की ही बात चल रही हो, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी थिंग, और उसमें से हमें सेकेंड वाले की बात करनी हो, तो हम लगाते हैं लैटर, LATER. और वहीं जब हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं लास्ट, जो अंतिम बताता है. अब ध्यान रखना, अंतिम को हम बाद वाला नहीं कह सकते, पर हाँ, बाद वाला एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम ही है, क्योंकि जब दो की ही बात हो रही है तो जो पहला है वो तो फॉर्मर है, तो जो बाद वाला है, सेकेंड वाला, वो अगर लेटर है तो वो अंतिम ही है इनडायरेक्टली. हालांकि दोनों में डिफरेंस है कि लेटर दो के लिए ही यूज़ हो सकता है और लास्ट दो से ज़्यादा के लिए ही यूज़ होता है. मतलब कहने का ये हुआ कि जो फॉर्मर और लेटर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेंगे जब आप दो की बात कर रहे होगे, और फर्स्ट और लास्ट कभी भी दो के लिए नहीं लगेंगे, ये दो से ज़्यादा के लिए ही लगेंगे. और ये चारों कहीं ना कहीं ऑर्डर बताने का ही काम कर रहे होते हैं. एंड रिमेंबर, इन चारों के साथ ही आर्टिकल द का यूज़ होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. रिया एंड जिया आर सिस्टर्स. द फॉर्मर इज़ क्लेवर बट द लैटर इज़ स्टूपिड. तो रिया फॉर्मर होगी और जिया लैटर. दो की बात हो रही है इसलिए फॉर्मर और लैटर का ही जिक्र होगा. अब कौन क्लेवर है, कौन स्टूपिड? तो द फॉर्मर इज़ क्लेवर, मतलब हु इज़ क्लेवर? रिया. एंड हु इज़ स्टूपिड? द लेटर वन, दैट इज जिया. तो याद रखिए, जब दो की बात होती है तो फॉर्मर और लेटर का जिक्र होता है, और जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो फिर आप फर्स्ट या लास्ट का यूज़ करते हो. एंड वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मर शब्द है, इसका एक मतलब और भी होता है, दैट इज़ भूतपूर्व. फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मर कैप्टन MS धोनी ऑफ टीम इंडिया अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15th August 2020. मतलब जो भूतपूर्व कप्तान है MS धोनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. चलिए अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज, द डैश बॉय ऑफ दिस क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट. इस ब्लैंक में हमें पहला कहना है. अब वो फर्स्ट से कहेंगे या फॉर्मर से, तो ये आपको सेंटेंस में देखना है कि कितने लोगों की बात चल रही है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि फर्स्ट आएगा कि फॉर्मर. तो सेंटेंस कह रहा है, द डैश बॉय ऑफ दिस क्लास. ना, क्लास में सिर्फ दो बच्चे तो रहते नहीं, दो से ज़्यादा ही होते हैं. तो यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो आंसर होगा आपका, द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट. नेक्स्ट पे आते हैं. ऑफ द टू सॉल्यूशंस द डैश इज द बेटर. दो सॉल्यूशंस में से द डैश इज द बेटर. अब हमें कहना है इन दोनों में से पहला वाला ज़्यादा अच्छा है. तो वो पहला आप किससे कहोगे, फर्स्ट से या फॉर्मर से? तो जो पहला हमें कहना है वो हम कहेंगे द फॉर्मर से, क्योंकि दो के लिए हम फॉर्मर लगाते हैं या फिर लैटर लगाते हैं. तो यहाँ हमें पहला कहना है इसलिए वो हम फॉर्मर से कहेंगे. अगला देखें, तो ऑफ द थ्री सॉल्यूशंस द डैश इज द बेस्ट. अब हमें बाद या अंतिम कहना है, तो देखिए कि कितने लोगों की बात चल रही है, कितने चीज़ों की बात चल रही है. तो यहाँ बोला ऑफ द थ्री सॉल्यूशंस, तीनों में से द डैश इज द बेस्ट. तो लेटर तो आने से रहा, तो यहाँ पे आएगा द लास्ट इज़ द बेस्ट. और याद रखिए, ये दो की ही बात करता है इसलिए यहाँ बेटर था, और दो से ज़्यादा की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसलिए यहाँ पर बेस्ट है. नेक्स्ट पे आए, द फॉर्मर इज़ बेटर देन द, बट ऑब्वियस है लेटर. अगला देखें, इंग्लिश एंड स्पेनिश बोथ आर वेरी पॉपुलर लैंग्वेजेस, बट देर इज़ नो डाउट दैट द डैश इज़ मच मोर पॉपुलर देन द डैश. तो हमें कहना है कि इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहली वाली है वो ज़्यादा पॉपुलर है दूसरी वाली से. तो अब यहाँ पहला और दूसरा कहना है, तो कहने को तो फर्स्ट भी पहला होता है, फॉर्मर भी, बट क्योंकि बात सिर्फ दो की हो रही है, तो द फॉर्मर इज मच मोर पॉपुलर देन द लैटर. लास्ट सेंटेंस देखते हैं. आई ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बट आई प्रेफर द डैश.
मतलब मैं दोनों ही पीती हूँ, चाय भी और कॉफ़ी भी, लेकिन मैं क्या प्रेफर करती हूँ, पहला, तो पहला मतलब टी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द फॉर्मर। सो आई होप आपको फर्स्ट लास्ट फॉर्मर लेटर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं वो ध्यान रखिए दो से ज़्यादा के लिए ही लग पाते हैं, और जो फॉर्मर और लेटर होते हैं वो जब दो की बात कर रहे होते हैं तभी लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।